अध्याय 6 रेखाएं और कोण, इसका भाग 3 का अध्ययन करेंगे। रेखाओं में एक टॉपिक आता है त्रिभुज। 3 सरल रेखाओं से गिरी हुई समतली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज यानी 3 भुजाएं, त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से गिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज यानी ऐसे समझे बच्चे लोग कि ए और बी क्या है, एक भुजा, ए से बी तक के लिए एक भुजा, फिर बी से सी तक के लिए दूसरी भुजा, और सी से ए तक के लिए तीसरी भुजा, ये क्या कहलाएगी, 3 भुजा, ठीक है। 3 भुजा ऐसे घिरी ये आकृति बन रही है, वही समतल में जैसे त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 3 बिंदुओं को किसी भी क्रम में रखकर त्रिभुज का नाम लिया जा सकता है। जैसे चित्र में बने त्रिभुज को एबीसी के अतिरिक्त त्रिभुज बीसीए, त्रिभुज सीएबी, त्रिभुज एसीबी, सीबीए अथवा बीएसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और सरल तरीके से आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, ये देखो, त्रिभुज में ए एक बिंदु, ए और बी, फिर बी से सी, ठीक। त्रिभुज कितने बनेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 5 त्रिभुज बन सकते हैं, ठीक है। चित्र से स्पष्ट है किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। ड्रॉ किया हमने, अब देखते हैं शीर्ष, 3 शीर्ष कौन से, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष, ठीक है। चित्र में बने त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः बिंदु ए, बी और सी है। बिंदु ए, बी और सी, किसी दूसरा कोण, किसी त्रिभुज के 3 अंतर कोण होते हैं। अंतःकोण कोण सी ए बी, कोण के लिए ये चिन्ह आपको बताया था, सी ए और बी। देखिए सी ए और बी, तो इसमें जो ए आया है मिड पॉइंट पे वो कोण ये वाला कोण है, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा ए बी सी है, त्रिभुज कोण ए बी सी है, तो ए बी और सी, ठीक है। तो बी कौन सा कहलाएगा, दूसरा कोण। फिर त्रिभुज बी सी ए सी, ठीक है। इस प्रकार ये 3 कोण प्राप्त होते हैं। जब किसी शीर्ष पर एक ही कोण बनता है तो उक्त अंतर कोण के शीर्ष के आधार पर क्रमशः कोण ए, कोण बी और कोण सी द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। देखिए ये हो गया कोण, ठीक है, भुजाएं हैं। भुजाएं में आपको बताया था ए से बी हो गई पहली भुजा, ए बी, दूसरी बी सी भुजा, और तीसरी है सी से ए, ये कितनी हो गई, 3 भुजाएं। ए बी यानी पहली भुजा, ठीक है, दूसरी और तीसरी, ठीक। चलिए अब आपको बताते हैं कि भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, ठीक। तो इसमें पहले आता है फर्स्ट विषमबाहु त्रिभुज। विषम से आपको इसका अर्थ, विषम का मतलब होता है अलग अलग, है ना। तो जिस त्रिभुज की 3 भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु,
अलग अलग माप के। चित्र में आपको बताना, देखो ये 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, ये अलग अलग जो है माप के। आप लोग बच्चों स्केल से माप लीजिएगा, ठीक है, स्केल से माप के बनाइएगा। ठीक, सबसे पहले एक भुजा लेते हैं, हाँ बी से सी, देखिए ये एक भुजा है, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, ठीक है। तो पहली भुजा हुई 3, 5 और ये हुई 4.5, तो ये इसकी माप अलग अलग। जैसे लंबाई भी नहीं दिखाई दे रही और 4.5 सेंटीमीटर। दूसरा आता है समद्विबाहु। देखिए समद्वि मतलब क्या होता है, दो, है ना, तो सम मतलब जिसकी दो भुजाएं समान। ठीक, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं समान माप की हो, कौन कितनी, दो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक, चित्र पी की हुआ, देखिए PQR चित्र दिया है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि P और Q ये है 5 सेंटीमीटर और इसी प्रकार PR क्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये दो भुजाएं क्या हुई, समान हुई, ठीक है, और तीसरी भुजा असमान यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए आप चित्र में, ये देखिए अगर ये ऐसा चित्र बनाते हैं तो ये बनेगा पी क्यू और आर। ठीक, अब इसमें पी क्यू ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, आप स्केल से नाप लेंगे, और दूसरी भुजा पी आर 5 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे यहाँ पे भुजा, ठीक है, भुजा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इसे लिखेंगे भुजा पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, दोनों सेम हुई। ठीक, इसीलिए क्या लिखा है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, अतः इसलिए पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक, तो ये क्या जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तीसरा आता है समबाहु, का मतलब होता है जिसकी तीनों समान भुजाएं हैं, जैसे जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एबी, बीसी और सी है, तीनों क्या है, बराबर हो गए। जैसे एक एग्जांपल, 5 सेंटीमीटर एक भुजा का मान, दूसरी का भी 5 और तीसरी भुजा का मान भी 5 ही है, तो तीनों क्या है, उनकी माप समान है, तो समबाहु। कुछ चित्र से देखो, देखिए ये इस प्रकार का त्रिभुज होगा समबाहु। ठीक, ए बी और ये सी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, हाँ आप लोग स्केल से सेंटीमीटर में मापिएगा, 5 सेंटीमीटर और 5, यानी AB भुजा BC के बराबर और BC भुजा भी CA के बराबर, AB की वैल्यू 5, 5 और ये 5, आया समझ। चलिए आगे देखते हैं, टॉपिक है कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। ठीक, अब पहला आता है इसमें नियम कोण त्रिभुज, न्यून कोण का मतलब जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। आपको इसके पहले की क्लास में एक्सप्लेन किया था कि न्यून कोण होता है जो 60 इंच का हो या 90 से कम का। ठीक है, इस चित्र में आपको एक कोण दिखाई दे रहा है 70 इंच, दूसरा 55 और तीसरा भी 55, ये न्यून होगा। ठीक है, चित्र में त्रिभुज PQR
आर, ठीक है। कोण पी कितना है, कोण पी है 70 अंश, कोण क्यू 55 अंश, ठीक है, और कोण आर कितना है, ये भी 55 अंश, ठीक है। ये सारे जो है वो किससे कम है, 90 से क्या है, बिल्कुल कम है, ओके, न्यू नहीं, ठीक। एक आता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आता है समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण वाला, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण एक समकोण हो के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि कोण भी एक समकोण है। देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ए बी सी, उसमें कोण बी जो है वो दर्शाया गया है 90 अंश का, तो ये 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण, ये त्रिभुज हुआ समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसको एक चित्र से और समझो अच्छे से बेटा, कुछ चित्र बना के बताते हैं, ये ये देखिए, तो ये तो कोण है, ये वाला, ये है 90 अंश का, हाँ, तो शीर्ष ए बी और सी। अब कोण की बात हुई है तो कैसे लिखेंगे, कोण बी, ये बी बी के साथ 90 अंश का हो रहा है ना, ये कोण बी हो गया 90 अंश, और इसको बोलते हैं समकोण, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर एक अधिक कोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें कोण पी क्यू आर अधिक कोण है। आपको स्टूडेंट अधिक कोण के बारे में बताया था, तो अधिक कोण होता है 90 अंश से ज्यादा, है ना, तो ये लिया है 120 अंश, ठीक है। तो एक चित्र द्वारा समझते हैं, देखिए ये अधिक कोण जो है 90 डिग्री तो सीधा रहेगा स्ट्रेट, ठीक है, बट अधिक कोण क्या है, इससे ज्यादा 90 से ज्यादा, हम ये वाला कोण जो है लेंगे, ये 90 से अधिक होगा, और ये देखिए, ठीक है, ये अधिक कोण की लाइन, इस कोण की माप है 120 अंश, चांदी से आप लोग बनाइएगा, ठीक है, पी क्यू और आर, ठीक। तो लिखने का तरीका होगा कोण, कोण क्यू बराबर होगा 120 डिग्री, और जब हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर या कोण या जाएगा 120 अधिक, ठीक है, इसको हम एक ये लेते हैं, एक को कहेगा आपका प्रोटेक्टर, हाँ, आपको प्रोटेक्टर से भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए बेटा प्रोटेक्टर आप यहाँ रखेंगे, इसकी ये वाली क्यू पे, ठीक है, क्यू पॉइंट पे प्रोटेक्टर रख के आपको इसको 120 अंश का कोण बनाना है, आया समझ में, ये देखिए, ओके, ये आया पॉइंट बेटा, ये 120 नहीं 110 का बन रहा है, देख रहे हैं आप सब चित्र में, 110 है यहाँ पे, हमने अंदर वाले जो है इन कोणों के मापों को लेना, ठीक है, तो 110 पे रहिए, इसका मतलब ये कोण के कितने का बन रहा है, 120
दस अंश का, ठीक है ओके। ये 1 1 0 का है, ये आएगा इसको अधिक कोण, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आपको जो त्रिभुज के आधार पर कोण का वर्गीकरण बताया था वो आपको लिखना है नोटबुक में, चित्र बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे चित्र बनाने हैं, और बेटा एक चित्र को आपको 5-5 बार बनाना है, ठीक है, तब आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और आप देखिए आज के लिए इतना ही, आप लोग को जो आज का टॉपिक पढ़ाया गया उसके लिए आपको अच्छे चित्र बनाने हैं, और स्केल और चांदी की सहायता से आपको एक चित्र को 5-5 बार बनाना है अपनी कॉपी में, और अच्छी से प्रैक्टिस करनी है कि कोण क्या है, त्रिभुज क्या है, रेखाएं क्या होती है, भुजाएं क्या होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।